Hello guys, welcome to the class of mathematics. I am Naveen Jain and in today's class we will discuss about the number system. Last video में हमने discuss किया था कि number system की दुनिया कैसी थी, उसके अंदर किस-किस तरीके के number आ रहे थे। समझ आ रही बात? आज हम discuss करेंगे rational number के बारे में। Particularly किसके बारे में हम discuss करने वाले हैं? Rational number के बारे में discuss करने वाले हैं। और रैशनल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि रैशनल नंबर में हम नंबर्स और रैशनल नंबर कैसे निकाले, यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको और रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं और नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। जैसे हमने हमने बचपन में काउंटिंग सीखी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक, फिर हम 200 तक गए, 500 तक गए। अब हमें ये सारा काम जो हम काउंटिंग कर रहे थे, जो बिटवीन नंबर्स या आफ्टर नंबर या बिफोर नंबर्स जो हम इंटीजर्स के लिए निकाल रहे थे, वो अब हमें रैशनल नंबर के लिए निकालना है। समझ आ गई बात? तो आज का टास्क है हमारा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि कोई भी दो अगर रैशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी दो नंबर अगर है, कोई दो रैशनल नंबर, भले वो बहुत पास के हो भले वो दूर के हो, लेकिन उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना वो ऑल्टरनेटिवली होते हैं, पहले एक रैशनल होता है फिर एक इरेशनल होता है, फिर रैशनल होता है फिर इरेशनल होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपका नंबर रैशनल नंबर तभी होगा जब हम उसको किस फॉर्म में लिख सके, उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, तभी ये आपका नंबर रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं। समझ आ गई बात? अब देखिए, क्या 0 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या लिख के देखते हैं। हमारे पास है 0, 0 को हम p अपॉन q में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1 कर दीजिए। क्या p इंटीजर है? यहां पर p क्या है? 0 है। q इंटीजर है? क्या q इंटीजर है और 0 नहीं है? बिल्कुल है। हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 100 लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो लिख दीजिए। इन सब की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। इन सब की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। So we can represent 0 in the form of p upon q. That's why it is a rational number. चलिए थोड़ा और elaborate करते हैं। हम और elaborate करते हैं और integers पर जाते हैं। क्या हम integer को भी rational number कह सकते हैं क्या? मैंने आपको last video में एक last chart बताया था और मैंने कहा था अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो statement सही हो, इसकी 100% guarantee नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्टेटमेंट 100% करेक्ट होगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, राइट। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे उस चार्ट में, प्रीवियस वीडियो का चार्ट आप देखना, उस चार्ट में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो ट्रू स्टेटमेंट है, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये नहीं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इरेशनल भी होते हैं, √2, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, समझ गए बात को? तो चलिए
अब हम बात कर रहे थे यहां पर क्या हम इंटीजर को भी पी अपॉन क्यू में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1। पी हो गया इंटीजर 2, क्यू हो गया इंटीजर 1, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, चाहे ये दोनों क्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 है बिल्कुल नहीं है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है तो ये क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। हम दूसरा इंटीजर ले लेते हैं जैसे माइनस का 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन माइनस का 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 4 अपॉन प्लस का 1, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस का 4 अपॉन प्लस का 1, या फिर इसको लिख सकते हैं प्लस का 4 अपॉन माइनस का 1। तो अगेन हमने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अगेन हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, रैशनल नंबर ऊपर आता है इंटीजर उसके नीचे होता है, सब कैटेगरी में होता है। तो रैशनल नंबर के दो पार्ट्स, इंटीजर भी है डेसिमल भी है, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नहीं है, वो इरेशनल की कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन रैशनल में डेसिमल में टर्मिनेटिंग वाले आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले आएंगे, वो रैशनल है, ठीक है, वो हमें पॉइंट याद रखना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल 0 भी रैशनल नंबर है। क्या हम कह सकते हैं इंटीजर एक रैशनल नंबर से सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, बिल्कुल सारे के सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, चाहे आप नेगेटिव इंटीजर ले लो, और चाहे तो आप एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया माइनस का 5233, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसको मैं लिख देता हूं माइनस का 5233 अपॉन 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 5233 अपॉन माइनस का 1, दोनों वैल्यू आएगा आंसर कितना, माइनस का 5233 पी अपॉन क्यू में लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, ये पी अपॉन क्यू फॉर्मेट है, जहां पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है। समझ आ गई बात। तो ये आपका पहला टॉपिक है कि आपको रैशनल नंबर कैसे होता है, कैसे लिखना है, कैसे आपको पता करना है कि वो रैशनल है या नहीं है। अगर हम उसको p अपॉन q में लिख पा रहे हैं तो वो एक रैशनल है, अदरवाइज वो रैशनल नहीं है। समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टास्क है कि हमें कुछ रैशनल नंबर लिखने हैं किन्हीं भी दो, पहला टॉपिक है आपका दो इंटीजर्स के बीच में, देखो तीन, 3 और 4, 3, 3 और 4, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, दोनों क्या है, इंटीजर है। तो टॉपिक क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर बिटवीन इंटीजर्स, तो पहला तरीका आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पी अपॉन क्यू में, क्यू पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक साइड लिखा नंबर 3, एक साइड हमने लिखा नंबर 4, और इनके बीच के पहला सिंपल तरीका क्या, आप 3 और 4 जैसे स्केल में होता है 3.1 3.2 3.3 3.4 उतने नंबर लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिए क्या क्या, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे कहां तक, 3.9 तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4.0। तो ये जो नंबर्स हैं ये 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मैंने यहां पर कितने नंबर्स लिखे हैं, अभी हमने 9 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 9, तक 9 नंबर्स में इंसर्ट किए। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बोल देता फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या और हो सकते हैं क्या। मैंने अभी स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो आप इनको और डिटेल में लिख सकते हैं, कैसे, आप पॉइंट के बाद की एक डिजिट और बढ़ा दीजिए। आपने क्या लिखा पहला 3.11, फिर क्या लिखा 3.12। अब देखो मैंने पॉइंट के बाद जो एक डिजिट थी वो तो सेम रखी, और सेकंड डिजिट जो पॉइंट के बाद है उसको मैं चेंज कर रहा हूं,
अब मैं 3 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर ले सकता हूँ, 100 नंबर ले सकता हूँ, 3.10 से लेके या 01 से लेके 3.99 तक, 3.13 देन 3.14 देन ऐसे 3.20 आ जाएगा। अब देखो 3.1 और 3.2 के बीच में भी ये बहुत सारे नंबर हो गए, और चाहे तो आप और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहे, और ज्यादा नंबर लिखना चाहे तो एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, 3.111 3.112 ये दोनों नंबर्स इन दोनों के बीच में है, 3.11 और 3.12 के बीच में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक एक डिजिट बढ़ाते जाइए और आपके पास में नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये तो हो गया सिंपल वाला तरीका जो हम स्केल पे करते हैं, जो स्केल पे होता है, ठीक है। इसका एक और तरीका है जो हमें ज्यादा प्रेफर करना है, ज्यादा याद रखना है, ज्यादा उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो पॉइंट वाले नंबर्स हैं जो हमने लिख दिए, ये हमें डायरेक्ट लिखना है, लेकिन एक प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा कि आपको ये तो अभी आपने इंटीजर दे दिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि आपको इंटीजर की जगह अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नंबर दे दिया जाए रैशनल नंबर, तो फिर उनके बीच में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को पहले चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, 3 और 4 को चेंज कर रहा हूं और पी अपॉन क्यू और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने एक साइड लिखा 3, एक साइड लिखा मैंने 4, और इसको p अपॉन q में लिखा मैंने 3/1 और 4/1, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इनके बीच में 50 डिजिट्स इंसर्ट करानी है, 50 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, एक एक जीरो इंक्रीज करते चाहिए, जैसे आपने यहाँ एक एक पॉइंट इंक्रीज किया है वैसे हम एक एक जीरो इंक्रीज करते जाएंगे। कहाँ इंक्रीज करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। कहाँ इंक्रीज करेंगे? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैं इस 3 को लिख रहा हूँ 30/10 और इस 4 को लिख रहा हूँ 40/10। तो देखो दोनों केस में न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है। अब आप 30 से चालू हो जाइए और 40 तक के बीच के सारे नंबर लिख दीजिए। पहला हो जाएगा 31/10, सेकंड हो जाएगा 32/10, देन हो जाएगा 33/10, ऐसे अप टू 39/10। लेकिन अभी तो कितने नंबर इंसर्ट किए आपने? केवल 9। अगेन मैंने बोला था 50 नंबर्स इंसर्ट कराने, 50 रैशनल नंबर। देखो ये सारे रैशनल नंबर है, क्यों है? p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। p एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू फर्स्ट केस में 30 है, वो एक इंटीजर है जिसकी सेकंड केस में फर्स्ट केस में वैल्यू 10 है, ऐसे ही सेकंड केस में p की वैल्यू 40 है इसकी 10 होगी। तो इनके बीच के सारे नंबर्स ये रैशनल। लेकिन यहां पर अभी हम 10 लिख पाए, अगर हमें ज्यादा लिखने तो वापस से क्या करो, एक जीरो और बढ़ा दो, यानी कि मैं 30 को क्या कर दूं, ऊपर कर देता हूं 300, एक जीरो और बढ़ा दिया। जब मैंने ऊपर एक जीरो बढ़ाया है तो नीचे भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। सेम चीज मैं दूसरी साइड भी कर देता हूँ, यानी कि 400 कर देता हूँ, इधर 100 कर देता हूँ। अब आप 100 लिख सकते हो 301 से लेके 399 तक, और इन्हें एक जीरो और बढ़ा दो, 300 को 3000 कर दो, 300 को क्या कर दो 3000 कर दो, 100 को क्या कर दो 1000 कर दो, 400 becomes 4000, 1 becomes 1000, now you can write 1000 rational number between two rational number, or you can say this, these two are integers, so you can write 1000 numbers in between these two, yes or no, right? So first is what, 3001/1000, इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3002/1000, काउंटिंग आनी चाहिए बस। बचपन में जो क्लास 1 में हमने काउंटिंग पढ़ी थी, 1 से लेके 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर हमने टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, तो हम वही कर रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, उससे डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, नया कुछ काम नहीं है, ये वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3000 और 4000 के बीच के सारे नंबर हमें लिखने आने चाहिए, इन बिटवीन नंबर्स, राइट? तो यहां पर हो गया 3001 से लेके 1000, 3002 से लेके 3001/1000, 3002/1000, 3003/1000, and so on, right? अब आगे बढ़ते हैं,
अभी ये थे इंटीजर्स, नेक्स्ट केस में हम निकाल रहे हैं दो रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस के बीच में आप रैशनल कैसे निकालोगे, और उसमें भी फर्स्ट केस क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल ऑफ सेम डिनोमिनेटर, इन दोनों के केस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो प्रोसेस सेम है। अभी हमने प्रोसेस सीख लिया, प्रोसेस सेम है, पहला नंबर है 3/5, दूसरा नंबर है 4/5, आपको कितने नंबर लिखने हैं, अगर आपको 5-10 लिखने हैं तो आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, अगर आपको 50-100 तक लिखना है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपको 1000 लिखने हैं तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो प्रोसेस सेम है, एक जीरो बढ़ाया, 40/50 किया और आपका क्या हो गया, आपको आप नंबर लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन अप टू 39/50 तक। ठीक है, समझ आ रही है बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम 100 क्या, 1000 क्या, 10000 क्या, 1,00,000 तक रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी दो स्टूडेंट के रैशनल नंबर सेम हो, क्योंकि देखो दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो स्टूडेंट के रैशनल नंबर सेम लिखे जाए। कुछ लोग इसको 31/50 लिखेंगे, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने एक एक जीरो और बढ़ा दिया, मान लीजिए 300/500 कर दिया और इधर मैंने 400/500 कर दिया, तो यहाँ पर कुछ लोग इसको 343/500, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, बस बीच में आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दिस इज द इन बिटवीन नंबर। समझ आ रही बात, अब इसको थोड़ा सा और हार्ड की तरफ लेके चलते हैं। हार्ड का मतलब क्या, आपको डिनोमिनेटर अभी तक मैं सेम दे रहा था, अभी क्या हो जाए, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या हो जाए आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 3/4 और दूसरा नंबर ले लिया आपने 7/5, लेट अस सपोज, अब आपको इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, और मैंने बताया यहाँ पर भी कितने नंबर्स आएंगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे, तो पहला हो गया 3/4, दूसरा हो गया 7/5, इनके बीच में रैशनल नंबर लिखने के लिए हमें पुराना ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम बनाना है, और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेंगे, बचपन में एलसीएम लिया होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहां पर, स्टेप 1, मेक डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, और सेम कैसे बनेगा, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स, दोनों डिनोमिनेटर का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो यहां हम किस किस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और एलसीएम ऑफ 5, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना आता है, ये आपको निकालना आना चाहिए, अदरवाइज एलसीएम की क्लास आपको लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 20। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, पहले 20 बनाना है दोनों डिनोमिनेटर को, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को, ऑब्वियसली इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब मैं नीचे 5 से कर रहा हूं तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 5 से, तो ये बन जाएगा कितना आपका 15/20। ऐसे ही इसको 4 से करना पड़ेगा ताकि ये डिनोमिनेटर 20 बन जाएगा, तो मैंने नीचे किया है तो ऊपर भी कर दिया, तो ये हो गया 28/20। अब हमारे पास जो 3/4 था उसका इक्विवेलेंट नंबर आ गया, वो कितना हो गया 15/20, जो दूसरा 7/5 था उसका भी इक्विवेलेंट नंबर आ गया, जो कि कितना हो गया 28/20, यानी कि हमें 3/4 और 7/5 के बीच के नंबर नहीं निकालने हैं, अब हमें किसके बीच के नंबर निकालने हैं, 15/20 और 28/20 के बीच के नंबर निकालने। अब आपको इनके बीच के नंबर्स को बहुत अच्छे से बताओगे, 15 के बाद क्या आता है, अगर आपको 10 तक ही निकालने हैं, यहां तो हम 13 निकाल सकते हैं, 16 17 18 19, 16/20 अपॉन वाली चीज को मत भूल जाना भाई,
19 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर जो है, ये जो इसके बीच में हमें नंबर निकाल लेते हैं, उसके बीच के नंबर है। अभी हम 12 13 निकाल पा रहे हैं। मान लीजिए 100 निकालने हो तो क्या करोगे, वही प्रोसेस, एक जीरो बढ़ा दो। क्या करते, इसको कर दे 150, इसको कर दे 200, इधर कर दे 280, इधर कर दे 200। तो कितना हो जाएगा, 150 से स्टार्ट करो, 151 अपॉन 200, 152 अपॉन 200, 152 अपॉन 200, 153 अपॉन 200। तो टास्क क्या है, टास्क है आपका पहला डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद आपको केवल काउंटिंग करनी आनी चाहिए। काउंटिंग आपकी बचपन से आप सीखते आ रहे हो, बहुत स्ट्रांग है। तो इंसर्टिंग टू रैशनल नंबर, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर इज वेरी इजी टास्क। इंटीजर के केस में तो बड़ा इजी है, आप ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, नीचे एक जीरो बढ़ा दो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, और फिर बीच की नंबर लिख दो। समझ गए बात को? तो ये आपका टॉपिक है, जो कि है क्या, इंसर्टिंग टू रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर, ये स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको एक चार्ट बताया था, उस चार्ट को फॉलो करना है, वही मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। वो चार्ट का स्नैपशॉट आपको बार बार पढ़ना है, वो चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे ऊपर चार्ट में कौन होता है, नंबर सिस्टम, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिसकी दुनिया में हम जी रहे हैं वो कौन है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के बाद दो उसके पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ते हैं सारी चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर हम तब पढ़ेंगे जब हम 10th क्लास में पास करने के बाद 11th में मैथमेटिक्स लेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल किधर होता है, नेचुरल नीचे की तरफ होता है। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल होता है स्टार्ट 1 से, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर कहां होता है, होल इसके ऊपर होता है। 0 प्लस नेचुरल करते हो तो क्या बनता है आपके पास में, होल नंबर बनता है। यानी कि इसमें कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, बिल्कुल है। नेचुरल नीचे की तरफ है, होल ऊपर की तरफ है, तो नेचुरल से होल की तरफ जा रहे हैं तो ट्रू होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सेकेंड इज व्हाट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंटीजर कहां होता है इस चार्ट में, इंटीजर यहां होता है। इंटीजर के दो टुकड़े, तीन टुकड़े करते हैं हम, एक तो होता है जीरो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। तो एक एग्जांपल काफी है, एक एग्जांपल काफी है किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। -3 एक इंटीजर है लेकिन होल नहीं है। -4 सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 भी होल नंबर है, लेकिन एक एग्जांपल आपको देना है जिससे कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो इंटीजर आपके चार्ट में ऊपर की तरफ होता है, होल नंबर उसके नीचे होता है। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, इज फॉल्स स्टेटमेंट। जस्ट अ मोमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, यही वापस से चार्ट आपको डिस्कस करना है। रैशनल सबसे ऊपर होता है, उसके बाद इंटीजर्स और डेसिमल, इंटीजर और डेसिमल के बाद होल नंबर आते हैं। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो चार्ट में, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आ रहे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं होता है। 3/4 रैशनल है लेकिन होल है क्या, नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इज आल्सो फॉल्स। एग्जांपल ये देखा, एक एग्जांपल काफी है आपको ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 3/4 हमने एक एग्जांपल दे दिया कि 3/4 जो है वो रैशनल तो है लेकिन होल नहीं है। समझ आने के बाद, ये है आपका पूरा प्रोसेस किससे रिलेटेड, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और आपको चार्ट के बारे में।
ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए, और आपको अब समझ आ गया होगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करने और वहां पर कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।